हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम बी प्रोग्राम पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द टॉपिक इज़ मेंटली रिटार्डेड। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे कौन होते हैं ये हमें पढ़ना है आज देखिए स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जो कि नॉर्मल चिल्ड्रन से डिविएट करते हैं ठीक है स्पेशल चिल्ड्रन तो उसके टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज़ फिजिकली चैलेंज जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो सेकेंड इज गिफ्टेड एंड थर्ड इज़ मेंटली रिटार्डिड मेंटली रिटार ठीक ये जो मेंटली रिटायड होते हैं ये स्केल के इस एंड पे फॉल करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स यहाँ फॉल करते हैं एंड गिफ्टेड यहाँ पे तो ये जो मेंटली रिटार्ड होते हैं इनको जल्दी समझ नहीं आता कोई चीज़ तो ये इनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटी इनका जो दिमाग है वो बहुत कमज़ोर होता है ये चीज़ों को अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं जल्दी एज कम्पेयर टू एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट्स और गिफ्टेड स्टूडेंट्स ठीक है अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है बिलोंग टू द लोअर एंड ऑफ द स्केल जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया लोअर एंड ऑफ द स्केल बिलोंग करते हैं इंटेलिजेंस एंड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड क्वाइट अपोजिट एंड कॉन्ट्ररी टू द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव हु लाई एट द हाई एंड ऑफ द स्किल ये जो स्टूडेंट्स होते हैं मेंटली रिटार्डेड ये ऑपोजिट करते हैं लाइट द गिफ्टेड स्टूडेंट ठीक है जहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी चीज़ें समझ आती है इनको जल्दी चीज़ें समझ नहीं आते जहाँ पे गिफ्टेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड सेंसिटिव होते हैं दे आर लेस सेंसिटिव एंड लेस डिसेंट ओके ये आपस में अपोज़िट होते हैं इनके दूसरे नाम क्या है फीबल माइंडेड मेंटली हैंडी कैप्ड मेंटली डिफिशेंट मेंटली सब नॉर्मल मेंटली सब एवरेज ये इनके कुछ अलग नाम हैं अकॉर्डिंग टू पेज ये एक स्कॉलर हैं साइकोलॉजिस्ट हैं मेंटल डिफिशन सी इज अ कंडीशन ऑफ सब नॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट प्रजेंट एट बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड एंड करेक्टराइज मेनली बाई लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड सोशल इनएडिकुएसी ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कंडीशन क्या है मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम होती है ये डायग्नोज कब हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड इनकी इंटेलिजेंस काबिलियत इनकी बहुत कम होती है या लिमिटेड होती है कुछ हद हाँ तक तो काजेज़ देख लेते हैं हम काजेज़ क्या रहते हैं इनमें फर्स्ट इज़ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चा हम सबको नाइन्थ मंथ पता ही है माँ के पेट में होता है तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो थ्रू प्लेसेंटा उसकी माँ के जरिए उसके अंदर आते हैं बच्चे के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मदर है वो कुछ हेल्दी खाएगी तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा उसका माइंड भी डेवलप होगा लेकिन जब मदर कुछ अनहेल्दी चीज़ें खाएंगी वो अल्कोहलिक होगी ड्रग एडिक्टिव होगी या कुछ ऐसे जंक फूड खाएगी जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगी तो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट होगा जब कुछ जो माँ है कुछ गलत खाएगी तो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्ड रहेगा ये एक आज रहता है ये एक वजह रहती है जिससे बच्चा जो है मेंटली रिटायर्ड रहता है सेकंड इज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डिलीवरी के टाइम कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो करते हैं या कभी कभी वो शार्प थिंग्स शार्प ऑब्जेक्टिवज़ या कुछ इक्वमेंट्स यूज़ यूज करते हैं जिसकी वजह से बच्चा का बच्चे का हेड जो है उस पर शार्प uh, जो uh, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं बच्चे के सर पे लग जाता है तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है और वो मेंटली रिटार्डेड रहता है थर्ड इज़ पोस्ट नेटल पोस्ट नेटल का क्या मतलब है जब बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसका माइंड जो है वो लेस डेवलप्ड रहता है वो जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आती है फर्स्ट जो बर्थ के बाद उसमें कुछ रीजंस ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली uh, रिटार्ड रहता है फर्स्ट इज़ हेड इंजरी बाय एक्सीडेंट कभी ऐसे बच्चे के साथ होता है एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जांपल। तो उसके सर पे लगती है तो उसका जो मेंटल कंडीशन है वो रिटार्ड रहती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट सेकेंड इज इन्फेक्शन कभी ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे में जो उसके सर को अफेक्ट करता है उसकी मेंटल कंडीशन या ब्रेन को रिटार्ड करता है थर्ड इज़ फूड डफिशेंसी बच्चे को ऐसे खाने की ज़रूरत होती है जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट करे लेकिन वो नहीं खा पाता बिकॉज ऑफ पुअर कंडीशन फैमिली बैकग्राउंड पुअर फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं कंज्यूम कर पाता है तो उसका जो ब्रेन है वो रिटार्डेड रहता है वो मेंटल कंडीशन उसकी इसकी वजह से भी कम रहती है फोर्थ इज़ सोशो कल्चरल और इमोशनल काजेज बच्चे के साथ कभी कोई ट्रॉमा हो जाता है कभी उसको फैमिली या सोसाइटी से कोई कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स आते हैं जो वो जो ट्रॉमा है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता और उसका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है उसकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उसके दिमाग में और वो मेंटली रिटार्डेड रहता है ये कुछ काजेज थे जो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हिज मदर और हर मदर एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द बर्थ ओके ये कुछ काज़ थे जिसकी वजह से एक बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड रह सकता है अब देखते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स एक बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड रहता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर बच्चा है ये मेंटली रिटार्डेड है फर्स्ट इज लिमिटेड आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोश लिमिटेड इंटेलिजेंस ऐसे बच्चों में जो स्कूल में पाए जाते हैं मेंटली रिटार्डेड इन में जो इंटेलिजेंस है काबिलियत है वो बहुत कम होती है ये जो ये इनएक्टिव होते हैं क्लास रूम में ठीक है ये रोट मेमोरी कर करते हैं इनके दिमाग में होती है रोट मेमोरी मतलब ये रट्टा जो भी कोई इनको कोई क्वेश्चन दो इनको कोई सवाल पूछे या कुछ भी याद करने के लिए दो तो ये रटाफिकेशन करते हैं ये रट्टा कोई भी चीज़ याद करते हैं ठीक है इंटेलिजेंस क्या होती है ये एबिलिटी टू लर्न होता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न इंफॉर्मेशन लर्न यूज़फुल इंफॉर्मेशन एंड स्किल लर्न यूज़फुल इंफॉर्मेशन एंड स्किल और फिर इस इंफॉर्मेशन और स्किल को कहीं यूज़ करना फॉर हिज बेनिफिट ये होती है इंटेलिजेंस लेकिन इनमें ये इंटेलिजेंस बहुत कम होती है ये कोई भी चीज़ अच्छे से लर्न नहीं कर पाते ये रटाफिकेशन करते हैं ये रटा कोई भी चीज जो है उसको बोलते हैं रोट मेमोरी ठीक अगर हम मेंटली रिटायर्ड बच्चों में से जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अगर हम मेंटली रिटायर्ड बच्चों में देखें तो वो बच्चा हम समझेंगे कि ये इनमें से ब्राइटेस्ट है जिसको अगर उसको रीड एंड राइट करना आता हो वही काफ़ी होता है उसके लिए बस उसको कोई चीज पढ़ना और लिखना आता हो हम बोलेंगे दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अमर मेंटली रिटार्ड स्टूडेंट्स ठीक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इनमें सोशल इनएफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी जब हमें दिखे कि कोई बच्चा सोसाइटी में लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाता वो अलोन रहता है तो हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ सोशली इनएडजस्टेड और दिस इज़ मेंटली रिटार्डेड ये जो है सेल्फ़ केयर नहीं करते इनको अपनी केयर करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती सेल्फ सपोर्ट नहीं करते इनको ड्रे, ड्रेसअप या फीड भी कोई और ही करता है ठीक है तो ये होते हैं मेंटली रिटार्डेड पर्सन जब हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक किसी बंदे में देखें तो हम बोलेंगे दिस पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड पर्सन और अब हम देखते हैं थर्ड जो होता है इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है जब हमने गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा था वहाँ पे वो बहुत डिसेंट होते हैं चार्मिंग होते हैं लेकिन दीज पर्सनस मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स आर ऑपोजिट दैट ये डीसेंट बहुत ज़्यादा मैसी होते हैं इनको किसी भी चीज़ में अपने आप को ड्रेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता इनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स ये इन्फीरियर फील करते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल नहीं जाते इनके अंदर बहुत पेन होती है ये सैड रहते हैं ठीक है ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए एजुकेशन फील्ड में ताकि इनको बेनिफिट मिल सके अगर पहली हम देखें मेंटली रिटार्डेड जो है उसमें भी ग्रेड होता है मेंटली रिटार्डिड परसन उनमें होते हैं थ्री टाइप्स माइल्ड मेंटली मो मॉडरेट मेंटली रिटार एंड थर्ड इज सीवियर मेंटली रिटार ये है थ्री टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्ड परसन माइल्ड अगर हम देखें तो ये थोड़ी बहुत इनमें मेंटली रिटार होती है यहाँ पे उससे ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल वन परसेंट अगर किसी में मैंटली रिटार्डेशन है तो दैट विल बी कार्ड एज ही विल बी शी विल बी कार्ड एज माइल्ड मेंटली रिटार्डेड किसी में फोर परसेंट है तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट एंड किसी में टेन परसेंट है हम बोलेंगे इस बंदे में सीवियर ये जो पर्सन है इसमें सीवियर मैंटली रिटार्डेशन है ठीक है तो जो ये है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड पर्सनस इनको हम एजुकेबल एजुकेबल पर्सनस बोलते हैं इनको ट्रेनेबल और इनको कस्टोडियल ठीक है कस्टोडियल ये जो एजुकेबल पर्सनस हैं एजुकेबल माइल्ड मेंटली रिटार्डेड परसन इनको एजुकेशन दी जा सकती है, इनको रीडिंग राइटिंग और इनको मैथ्स के कुछ वन टू या अप टू टेन हम सिखा सकते हैं ठीक यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया जो माइलेन में थोड़ी बहुत मेंटल रिटार्डेशन होती है इनको हम पढ़ा सकते हैं क्या रीडिंग राइटिंग वही इनके लिए काफ़ी होता है और मैथ्स इनको सिखा सकते हैं और बेसिक स्किल्स सिखा सकते हैं इनको ठीक मॉडरेट ट्रेनेबल कौन से होते हैं इनको हम सिंपली ट्रेन कर सकते हैं ताकि ये अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल इनको क्या सिखा सकते हैं हम सिंपल टास्क लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम क्लोदिंग सिखा सकते हैं कपड़े लगाना ड्रेसअप करना सिखा सकते हैं आयरनिंग सीविंग डस्टिंग स्वीपिंग कपड़े सिलना सफाई करना सिखा सकते हैं ताकि ये अपनी जो लाइफ है इनकी कम्प्लेक्स उसको थोड़ी बहुत हम इनकी सिंपलर लाइफ बना सकते हैं ये जो कस्टोडियल है इनको कस्टडी में रखना होता है क्योंकि ये थोड़े बहुत हार्मफुल होते हैं ये बहुत मैसी होते हैं इनके लिए जो एजुकेशन है दैट इज़ नाट पॉसिबल तो यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया अगर आप सबको समझ आ गया देन प्लीज़ सपोर्ट मी लाइक माई वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो आपको कैसा लगा बट इन अ पॉजिटिव वे ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले